मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी है, विधानसभा मुद्दे पर उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव आयोग ने अभी फिलहाल दो राज्य के चुनाव के तिथि को घोषित कर दिया है, तो क्या एजेंडा है? हाँ, जो महाराष्ट्र का चुनाव घोषित हुआ है, हरियाणा का चुनाव घोषित हुआ, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फहराए। इन दोनों राज्यों के लोगों को कांग्रेस पार्टी के कुशासन से मुक्त कराए, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को लेकर के हमारे कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि इन दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, और आने वाले दिनों में झारखंड के भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। सर, क्या लगता है इन राज्यों में भी जो मोदी लहर लोकसभा चुनाव के दरमियान था, अभी भी कायम रहेगा? मोदी जी का नेतृत्व तो निश्चित तौर से पूरे देश के सामने है, लेकिन इन राज्यों के मुद्दे जो है, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का कुशासन, लोगों को जिस तरह से अनदेखी की गई, विकास पर कहीं ना कहीं विकास पर रोड़े बने रहे, और साथ ही साथ कुशासन, ये मुद्दा है। और लोगों को कुशासन से मुक्ति की दिलाई जा सके, सुशासन के रास्ते पर इन राज्यों को चलाया जा सके, ये मुख्य मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और आम लोगों के सरोकार का मुद्दा है। सर, देखा जाता है आमतौर पर कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो होते हैं, वो उन दोनों में बहुत स्ट्रेटेजिक देखा जाए बहुत अंतर होता है। ठीक है, ये बात सही है। लोकसभा जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और भी मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, स्थानीय भी होते हैं, लेकिन राज्य के जो चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दे होते हैं, उनसे राज्य के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, तो इसलिए जो है फ़र्क होता है। और इसीलिए हमने कहा कि इन राज्यों में, जिन राज्यों में हम चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो वर्षों से है, दशकों, मतलब एक दशक से ज़्यादा से सभी इन दोनों राज्यों में है, तो इसलिए जो है वो इस राज्य के लोगों को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कराया जा सके और सुशासन के रास्ते पर राज्य को लाया जा सके, ये संकल्प है हमारा। सर, ऐसा इस बार क्यों हो रहा है कि लोकसभा जब इलेक्शन होने वाला था तो पीएम सीट के लिए मोदी को बहुत पहले से प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन विधानसभा इलेक्शन है तो सीएम की सीट को कहीं क्यों नहीं उजागर किया? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सी जगहों पर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती है, बहुत सी जगहों पर बिना प्रोजेक्ट किए हुए चुनाव लड़ती है, इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। धन्यवाद सर। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जीत किसकी पक्की होती। फिलहाल बीजेपी ने अपनी कमर पूरी कस ली है। कैमरामैन अनूप के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, GSTV दिल्ली।